और अब एक अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का फैसला किया है। एटमी आपदोज पाकिस्तान में ही तैयार की जाएगी और इसकी तैयारी में कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 साल का अरसा लग सकता है। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सबमरीन तैयार करने का फैसला किया है और ये तैयारी पाकिस्तान में ही सर अंजाम पाएगी। इस बारे में मजीद बात करेंगे। लईकुर रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। लई, बताइएगा, पाकिस्तान ने अब उसूली फैसला कर लिया है एटमी आपदोजे बनाने का। जी, पाकिस्तान के पास गुज़िश्ता कई सालों से कोशिशें जारी थी कि वो न्यूक्लियर सबमरीन के लिए इकदाम करे और फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ इस सिलसिले में माजी में भी एग्रीमेंट्स हुए थे, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो सके। अभी पाकिस्तान चाइना और बाज दिगर माहरीन की मदद से अपनी सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन तैयार करने की इकदाम करने का फैसला किया है और आइंदा 5 से 8 साल के दौरान इस बारे में एक जामे मनसूबाबंदी के तहत न्यूक्लियर सबमरीन तैयार की जाएंगी और ये इंडिजिनसली पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी और इसके लिए मौजूदा जो नए नेवल चीफ हैं एडमिरल आसिफ सुंदेला, उनकी तरफ से काफी इकदाम किए गए हैं और इस बारे में आइंदा बजट में भी कुछ रिकमेंडेशन पेश की जाएंगी और तो है कि डिफेंस बजट में इस चीज को भी शामिल किया जाएगा। और ये चीज बताइएगा, क्या पाकिस्तान अपने बलबूते पे ये तैयार करेगा एटमी आपदोजे या किसी के इश्तराक से? इस बारे में जो मुख्तलिफ ज़राए से बात सामने आई है, पाकिस्तान का सबसे अहम जो डिफेंस हवाले से इत्तेहादी है वो चाइना है और चाइनीज माहरीन की मदद से ये इकदाम किए जाएंगे और पाकिस्तान के पास अपनी भी सबमरीन तैयारी के हवाले से एक्सपर्टी मौजूद है और इस सिलसिले में इकदाम करके अमल को इसको जामे अमल फैलाया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अलैकुम रहमान आपका। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पावर ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं तहसीन अकबर। दोस्तों, आज की वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने क्या वाकई न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है या नहीं, तो आपने जैसा कि न्यूज भी सुनी है और उसके अलावा जो है मैंने आपको कल भी पिछली वीडियो में ब्रीफ किया था कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन वाकई में ही बना रहा है। ठीक है, अब ये कहाँ बना रहा है और ये कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है, ये बात ना तो पाकिस्तान के नेवी ने बताई है और ना ही ये ऑफिशियली इसकी कोई भी किसी किस्म की स्पेसिफिकेशन बताई जा रही है। अंदाजे के मुताबिक से ही हर कोई जो है ना बता रहा है, सब अंदाजे ही लगा रहे हैं और मैं इसके बारे में आपसे कुछ और मालूमात शेयर करता हूँ, इंडियंस जो हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि इंडियन के भी मीडिया ने इसके बारे में बहुत डिटेल से जो है ना वो ब्रीफ किया है, वो आपको वीडियो दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कराची डॉक यार्ड में जो पिक्स मिली हैं, जो गूगल अर्थ ने जो तस्वीरें मतलब ली थी और वो जो तस्वीरें मंजराम पे आई हैं, उनके मुताबिक टाइप 093 ही जो सबमरीन है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, वही पाकिस्तान जो है बना रहा है। इसकी जो दूसरी अहम जो मैंने मुझे समझ में आई है वो यही सबमरीन क्यों है, वो ये है कि पाकिस्तान एक और मिसाइल बना रहा है जो बाबर 4 के नाम से, मतलब मैंने उसे बाबर 4 का नाम दिया है क्योंकि वो बाबर मिसाइल विकीपीडिया पे बाबर मिसाइल के ही अपग्रेड बताई जा रही हैं। ठीक है, बाबर मिसाइल को एक अपग्रेड किया जा रहा है जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर होगी और टाइप 093 ही वो सबमरीन है जो के 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल फायर करती है, वर्टिकल मिसाइल फायर करने की सलाहियत रखती है। दूसरी बात यह है कि टाइप 903 ही वो सबमरीन है जो पाकिस्तान के डॉक यार्ड में पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग दे रही है। अच्छा, इसकी जो वजाहत है वो या यूं कहूं कि सबूत जो है वो ये थे कि 2017 में चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो इंडियन ओशन से होती हुई पाकिस्तान कराची आई थी और वहां से फिलिंग भी करवाई थी और कुछ दिन यहाँ रुकी भी थी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि फिलिंग करवा के वापस चली गई थी, बल्कि वो यहीं पे रही है और पाकिस्तानियों को वो ट्रेनिंग दे रही है। जब तक पाकिस्तान न्यूक्लियर सबमरीन तैयार होगी उस वक्त तक पाकिस्तान का फर्स्ट जो स्टाफ है, जो पहला स्टाफ है सबमरीन के लिए, वो भी तैयार हो चुका होगा। तो आप लोग जो है ना वो वीडियो देखें जो इंडियंस मीडिया है, बहुत उनका बड़ा NDTV जो है एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, तो उसने मुकम्मल डिटेल से जो है ना ये बताया है कि पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग दे रहा है चाइना और पाकिस्तान जो न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर रहा है। तो आप ये वीडियो देखें तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू आप लोगों को। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है ये तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें
और मेरा चैनल जो सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको को जो है वो मेरी और वीडियोस मिलेंगी, क्योंकि मैं आपके साथ और बहुत सी ऐसी वीडियोस जो है शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें। Four days after images emerged of a Chinese nuclear attack submarine docked in Karachi last year in May, comes news that Pakistani Navy personnel boarded and sailed on the Chinese submarine last year. Now, this, according to our sources, is likely to be a prelude to Pakistan acquiring a nuclear submarine of the same class of its own through a lease arrangement with Beijing. Now, a Pakistani acquisition of a nuclear attack submarine would affect the balance of naval power in the Indian Ocean, which is heavily skewed in favor of the Indian Navy at the moment. Now, what is, however, significant is that while China operates its nuclear submarines with impunity in the Indian Ocean, the Indian Navy has been able to consistently track the movement of these submarines. Now, the Shang-class submarine entered the Indian Ocean region through the Malacca Straits between the 19th and 20th of April last year. The submarine and its resupply ship were almost immediately picked up and constantly tracked by this, the Indian Navy's P-8 anti-submarine warfare aircraft, which even dropped sonar buoys or listening devices to keep a track of the movement of the submarine. The submarine was tracked right through the course of its journey all the way to Karachi, where it docked for a week between the 19th of May and the 26th of May. And it was here that the submarine embarked Pakistani Navy personnel, some of who may well be part of the first Pakistani crew to train on Chinese nuclear submarines. On the 14th of June 2016, the submarine exited the Indian Ocean region. So it came from the South China Seas, the Hainan base, it crossed the Straits of Malacca. It was here that it was first picked up by Indian Navy P-8 aircraft. It then went up to Karachi, it trained in this area, and it eventually returned again through the Straits of Malacca and back into the South China Sea. Now, the big point over here is that China has been working to build up its interests in this entire region, in Sri Lanka, in the Maldives, in Djibouti, and Bangladesh is a country which has recently acquired Chinese submarines. Pakistan has its plans as well. One way or the other, this is being looked at as the strategic encirclement of India.